सिसई विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के झामुमो विधायक का कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गोलबंद हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आक्रोश जताया। वर्तमान विधायक जिंगा मुंडा का समर्थन करते हुए उन पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। देखिए, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव पहुँचा हुआ है और जब हमारे गठबंधन के सभी प्रत्याशियों का नाम लिस्ट जारी हो चुका है और इसी बीच हमारे सिसई विधानसभा क्षेत्र से हमारे माननीय जिगा शिवसारण होरो जी का नामकरण होना है। साथ ही सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं और आज हम लोग को इसीलिए विरोध करना पड़ रहा है कि चूँकि हम लोग के माननीय विधायक के द्वारा पूरे सिसई विधानसभा क्षेत्र में सभी समुदाय वर्ग के यहाँ जा रहे हैं और सभी का काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे झारखंड सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं, इसमें कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि गठबंधन धर्म का पालन हो। अमित भाई, इसमें प्रेस डकते करते हुए हम लोग गठबंधन धर्म ने जो लोकसभा में हम लोग काम किए हैं कांग्रेस का और हम लोग जेएमएम का कार्यकर्ता न्यौछावर भाव से हम लोग संसद बनाने का काम किए हैं और अभी हम लोग का विधायक का लोकप्रिय पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उराव कांग्रेस। इन दिनों सिसई विधानसभा में लगातार गठबंधन में खासकर कांग्रेस के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय विधायक जिगा मुंडा का विरोध देखा जा रहा था, ऐसे में यहाँ जो झामुमो के कार्यकर्ता है सिसई प्रखंड में गोलबंद हुए और आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता कर उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला और कहा कि जो विधायक की लोकप्रियता है उसको देख कर यहाँ काफ़ी कांग्रेस या गठबंधन साथियों को जो हो रही है उसमें मिर्ची लग रही है, जिसके कारण इसका विरोध हो रहा और उन्होंने बताया कि सरकार के और विधायक काम से यहाँ की जनता काफ़ी खुश है इसलिए वही चुनाव जीतेंगे और वो उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी तक देखा गया था कि यहाँ ज़्यादातर झामुमो की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा था, चाहे कितने भी बैठक या कोई भी हो जा रहा था, लेकिन आज पूरी तरह से इन लोगों ने अपना मोर्चा बदला और पूरी तरह से उग्र है और इन्होंने सीधा सीधा ऐसा विरोध करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की है। गुमला से अमित राज।